नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां हर सीट मायने रखती है, वहां एक महायुद्ध उभर रहा है और मंच त्योथर रीवा में तैयार है। बीजेपी के दृढ़ बसे हुए क्षेत्र को कांग्रेस अपने नए युवा चेहरे सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा चुनौती देने का निश्चय किया है, लेकिन यह कोई सामान्य राजनीतिक मुकाबला नहीं है। यह एक विचारधारा, रणनीति और आकांक्षाओं का मुकाबला है जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक मानचित्र को आकर्षित करेगा। आजकल सिद्धार्थ तिवारी बार बार त्योथर जाते हैं ताकि वह त्योथर की आम जनता के साथ संपर्क में रह सके। हाल ही में 17 सितंबर को उन्होंने विंध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन त्योथर में मनाया। इस मौके पर कई राजनीतिक नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्यादातर कार्यकर्ता विंध्य प्रदेश से अपनी कारों और मोटरसाइकिलों में आए, लेकिन त्योथर से बहुत ही कम थे। इसी बीच हमारे त्योथर के संवाददाता आशुतोष ने धर्मेश शुक्ला से खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। त्योथर जिला बनाना क्यों उचित है? देखिए, त्योथर हमारा, चाहे आप कृषि ले लो, चाहे यहाँ पर जैसे जगह हो, पहाड़ है, पहाड़ में हीरे के भी खोज हुई है हमारे यहाँ, मशीनें लग गई, जांच हो गई है, सारा चीजें है। और मैं, आप पूछ रहे हमसे कि क्या है त्योथर में, और जिले जो बनाए जा रहे हैं, हमारे बगल में महूगंज बनाया गया। महूगंज में कुछ न होते हुए भी हमारा पहला, अगर पूरे बिंद में किसी का अधिकार बनता है किसी भी तहसील का जिला बनने का, तो वो त्योथर है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो हम लोगों का अधिकार, हम लोगों की रोटी छीनकर शिवराज सिंह चौहान जी ने महूगंज को जिला बना दिया, मैहर को बना दिया। लेकिन पता नहीं क्या त्योथर की जनता के साथ उनकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है, क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इससे मैं, हम शिवराज सिंह जी को अभी खून से लिखा पत्र लेकर हमने उनसे पूछा भी है पत्र के माध्यम से कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं त्योथर की जनता के साथ। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि त्योथर जिला बनने, ये पूरी प्राथमिकता त्योथर को दी जानी चाहिए, महूगंज मैहर को भी जिला नागता को बनाया भी है, आखिर आज से पहले जब भी जिला की मांग हुई कब आप लोगों ने मांग किया और किस किस माध्यम से मांग किया जिला को लेकर? देखिए, त्योथर को जिला बनाने की मांग दो दशक से, यहाँ हम तो अभी राजनीति में आए, हमको मुश्किल से एक दशक हुआ है, लेकिन हमारे पूर्व भी लगभग दो दशक से यहाँ के जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे या समाज सेवी थे, सब लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से त्योथर को जिला बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब त्योथर का युवा, त्योथर का किसान, त्योथर का अधिवक्ता, त्योथर का व्यापारी, सारे लोग जागृत हो, सब ने ये मान लिया है कि त्योथर तेरे नाम, ये जीवन कुर्बान। आज त्योथर में ही पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का दौरा था, दौरा के दौरान उन्होंने श्रीनिवास तिवारी के पुण्यतिथि पर आज जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था, उसमें उपस्थित उन्होंने भरे मन से त्योथर जिला बनाए जाने की संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्योथर कांग्रेस सरकार की आप बात करते हैं, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार की नीति ही रही है कि प्रशासन जितना छोटा भूभाग को ताकत मिलेगी उतना देश का विकास होगा। कांग्रेस सरकार ने कई राज्य बनाए, आपके सामने मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ है, पता नहीं कितने जिले बनाए, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी त्योथर में आके बोल भी चुके हैं, अभी पिछले महीने जब आए थे तो उन्होंने कहा है मंच के माध्यम से, और आज पीसी शर्मा जी भी पूर्व कैबिनेट मंत्री बोल के गए हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो त्योथर जिला 100% बनेगा, और मुझे भरोसा भी है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम, कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो ये लड़ाई हमको सरलता से लड़के हमको त्योथर जिला बन सकता है। हमारा त्योथर में तमाम समस्याओं की बात हुई, त्योथर को जिला बनाने का भी मसला रहा, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? त्योथर में आज ये परम पूजनीय की जयंती पर आयोजित परिवर्तन संकल्प दिवस है, और आपने यहाँ पर उमड़ी 20,000 की भीड़ में ये देखा
कि परिवर्तन के लिए त्योंथर संकल्पित है। परिवर्तन में त्योंथर को जिले का स्टेटस भी मिलना चाहिए। मैं दो मांगे इस मंच से और आपके माध्यम से उठाता हूँ, त्योंथर को जिला और विंध्य को प्रदेश दोनों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।